नमस्कार। एंडोक्राइनोलॉजी के इस नए टॉपिक में हमें बात करना है आज डायबिटीज के टॉपिक पर। डायबिटीज हम जानते हैं ये कई सारे सब्जेक्ट्स में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की शुरुआत करते हैं तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसकी शुरुआत इसके कॉन्सेप्ट पर जो हम बात करते हैं वो फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, जैसे फिजियोलॉजी में अगर हमें बेसिक्स पता है किस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से ये रिलीज होता है उसके बारे में पता चल जाए, इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री में हम जब बात करते हैं तो इंसुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद जब हम एनाटॉमी में आते हैं तो पैंक्रियाज का लोकेशन की बात होती है और वहां पर भी हम इससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। फार्मा में पूरा का पूरा डायबिटीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑफ्था में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, मैंने आपको बताया ना, फिजियो, बायो, एनाटॉमी, फार्मा में काफी इंपॉर्टेंट है, ऑफ्थेल्मोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए किस तरीके से इसकी डिफरेंट स्टेजिंग की जाती है, इन सभी चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है। इसी तरीके से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज के टॉपिक के रूप में, या ऑब्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसको क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, जीडीएम के बारे में हमें डिटेल में बात करनी है। ये टॉपिक ऑब्स का है लेकिन कॉन्सेप्ट इसके फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मा से लिंक्ड है, इसीलिए हमें इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करनी है। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि टॉपिक्स को एक साथ इंटरकनेक्ट करके अगर हम स्टडी करते हैं तो पैंक्रियाज से शुरू हुआ ये टॉपिक बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होगा। मैंने आपको बताया फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फार्मा में आपको पता है ना काफी सारे ड्रग्स के बारे में स्टडी करनी, और वही फार्मा अगर अच्छे तरीके से समझ लिया तो मेडिसिन काफी कवर हो जाएगा। ऑफ्था में हमें पढ़ना ही होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। मेडिसिन को कवर करने के लिए फार्मा की अच्छी स्टडी होनी चाहिए। सर्जरी में हम पैंक्रियाज से रिलेटेड ट्यूमर के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्स गायनी में मैंने अभी आपको बताया कि ऑप्स में इसके बारे में पढ़ना होता है। तो बात की शुरुआत पैंक्रियाज से होती है और वहीं पर सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। इस तरीके से स्टडी करने के तरीके अगर हम अपनाते हैं तो चीजों को रिकॉल करना ज्यादा आसान हो पाता है। हम जानते हैं पैंक्रियाज में अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, या यूं कह लें गामा नहीं डेल्टा सेल्स, इस तरीके की सेल्स होते हैं, एफ सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर इंसुलिन का सेक्रेशन, ग्लूकागॉन का सेक्रेशन आप पहले से पढ़ते आए हैं। इंसुलिन के बारे में आप जानते हैं ग्लूकोज के अपटेक और उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। इंसुलिन रिलीज कहां से होगा ये भी आपकी जानकारी में है। इंसुलिन कहां से रिलीज होगा, बीटा सेल्स से। ये इंसुलिन के अलावा एमाइलिन का भी नाम याद होना चाहिए, एमाइलिन, क्योंकि आगे चल करके हम फार्मा में इसी के साथ इंसुलिन और एमाइलिन दोनों के कनेक्शन को पढ़ेंगे। तो यहां तो नाम फिजियोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन का दिया जाता है लेकिन बीटा सेल्स एमाइलिन को भी रिलीज करती है, ये बात पता होना चाहिए। इसके बाद आता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन ये क्या करता है, अल्फा सेल्स रिलीज होता है, ग्लूकागॉन का फंक्शन आप जानते हैं ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि ग्लूकागॉन इंसुलिन के जस्ट अपोजिट फंक्शन दर्शाता है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं डेल्टा सेल की तो डेल्टा सेल रिलीज करते हैं सोमैटोस्टैटिन की। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ये यूनिवर्सल इनहिबिटर है। आप देखें यूनिवर्सल इनहिबिटर इसका नाम कहा जाता है क्योंकि सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों के ही सेक्रेशन को इनहिबिट करने के लिए प्रेरित करता है सोमैटोस्टैटिन। बार बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, डेल्टा सेल से रिलीज किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पैंक्रियाज वीआईपी को भी रिलीज करती है, जिसे हम वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड कहते हैं, जो वाटर का सेक्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स, रिलैक्सेशन ऑफ एंट्रिक स्मूथ मसल्स और मोर्टेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वीआईपी टोटली अलग है, हमें यहाँ जो पढ़ना है वो इंसुलिन पर फोकस करना है और इंसुलिन के साथ ही साथ हमें ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन के फंक्शन पर हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो यहाँ पर देखें पैंक्रियाज के लेवल पर अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, कैसे कनेक्ट होता है, ये एनाटॉमी का पार्ट है, यही मैंने आपको बताना चाहा। यहाँ पर कौन सी ब्लड की सप्लाई होगी, किस पार्ट में कौन सा ट्यूमर डेवलप होता है, वो सारी चीजें एनाटॉमिकल स्टडी से ही पता चलेंगे। तो सर्जरी के टॉपिक को भी हम यहीं पर एक साथ कवर करेंगे, आगे हम जो अगले पार्ट्स होंगे लेक्चर्स के उसमें यही सारी चीजें होंगी। आपको पता है यहाँ पर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करती हैं, जो डक्टेड होती हैं, देखिए इस डक्ट के द्वारा यहाँ पर रिलीज किए जाएंगे, जबकि कुछ आइलेट्स हैं, आइलेट्स, पैंक्रियाटिक आइलेट्स, जो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। इसमें कौन कौन से नाम ज्यादा जरूरी है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स के लेवल पर जब फार्माकोलॉजी के लेवल पर स्टडी की गई तो बहुत सारी और भी बातें पता चलती हैं। आप देखिए आइलेट्स के जो सेक्रेशन है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये पैंक्रियाटिक हार्मोन्स सीधे ब्लड के सर्कुलेशन में विदाउट डक्ट्स सीधे डिफ्यूज करके ब्लड में भेज दिए जाते हैं।
बात हमें मेडिसिन के एस्पेक्ट पर करनी है, लेकिन शुरुआत हम करेंगे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर। तो इसमें आईलिड्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वहां पर कितने तरीके के सेल्स हैं, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अल्फा सेल्स किसको रिलीज करते हैं, ग्लूकागॉन को जो क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है किसी भी तरीके से, ग्लूकोज के नए नए सोर्सेज, ग्लाइकोजन को ब्रेक करना हो, जो भी करना हो ये करेगा, बीटा सेल्स इंसुलिन। इसके अलावा मैंने आपको बताया फार्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से एमाइलिन को रिलीज करता है। एमाइलिन करता क्या है, ये इंसुलिन के एक्शन को पोटेंशिएट करता है। क्या एमाइलिन के ऊपर फोकस करके हम कोई फार्माकोलॉजिकली कोई मेडिसिन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। हम एमाइलिन एनालॉग डेवलप करेंगे जो डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 के ट्रीटमेंट में काफी उपयोगी हो सकते हैं और होते भी हैं। तो इसीलिए एमाइलिन एनालॉग क्या है आगे हम फार्मा में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से पूछा भी गया है नीट में, एमाइलिन इज सिक्रेटेड बाय व्हिच सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। नीट में यह क्वेश्चन पूछा गया था, आप जानते हैं ये बीटा सेल से ही रिलीज होता है। अगले सेल्स की ओर बढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था डेल्टा सेल। ऑल इंडिया और नीट में इस पर क्वेश्चन पूछा गया, ये करता क्या है। सोमेटोस्टेटिन, जिसका फंक्शन क्या है, यूनिवर्सल इनहिबिटर्स के रूप में। नीट में यही क्वेश्चन पूछा गया था, वो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों के सेक्रेशन को इनहिबिट करता है। ऑप्शन था एपिनेफ्रिन, सोमेटोस्टेटिन, तीसरा था ब्लड ग्लूकोज बढ़ाने, मींस क्या है फंक्शन जो दोनों के सेक्रेशन को घटाने की कोशिश करेगा। तो आप सोमेटोस्टेटिन का ऑप्शन जानते हैं, और इसमें आप देखें एपिनेफ्रिन के बारे में अगर आप कहेंगे तो एपिनेफ्रिन क्या करता है, एपिनेफ्रिन का फंक्शन होता है हमें दिक्कत वाली कंडीशन में प्रिपेयर करना। तो ये क्या करेगा, ये वैसा ही काम करता है जैसा ग्लूकागॉन करता है, ये ग्लूकोज के नए नए सोर्सेस तैयार करता है, सोमेटोस्टेटिन दोनों को ही इनहिबिट करता है। तो आप समझ सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सोमेटोस्टेटिन। नीट में ऑल इंडिया में जनरल फिजियोलॉजी का टॉपिक जो पैंक्रियास से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और सेल की बात करते हैं जो एफ सेल है, जो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स रिलीज करता है। इसके बाद पीजीआई में क्वेश्चन पूछा गया था, फॉलोइंग हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज। सीधी सी बात यह है कि ये जानना चाहते हैं कितने हार्मोन्स पैंक्रियाज रिलीज करता है। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, बॉम्बेसिन, ग्लूकागॉन, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। आपको इसमें पता है कि कौन कौन से रिलीज किए जाते हैं, किस सेल से रिलीज किए जाते हैं, ये भी नोट्स में हमने दे रखा है। पीजीआई में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि इंसुलिन जब रिलीज किया जाता है तो उसके साथ और क्या क्या रिलीज होता है और जिसे हम आगे मार्कर के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं। तो इंसुलिन का बढ़ना ये, और जब वो निकलता है तो उसके साथ 1:1 के रेशियो में और क्या निकलता है, जैसे एमाइलिन निकलता है और क्या निकलता है, सी पेप्टाइड निकलता है। सी पेप्टाइड को हम मार्कर्स के रूप में रिलीज मान सकते हैं। तो पहले ऑप्शन के रूप को देख लेते हैं, फिर हम आपको सी पेप्टाइड्स के डिटेल में लेकर चलेंगे। तो इसमें ये कह रहे हैं इंसुलिन के साथ और क्या निकलता है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड बिल्कुल नहीं, वो एफ सेल से निकलता है तो उसका कोई लेना देना नहीं। इंसुलिन के साथ वही निकलेगा जो बीटा सेल से निकल सकता है, ग्लूकागॉन भी नहीं निकल सकता है उसी के रेशियो में, ऐसा नहीं हो सकता है। सोमेटोस्टेटिन भी नहीं हो सकता क्योंकि सभी के सेल्स अलग अलग हैं। सी पेप्टाइड हो सकता है। GLP-1 का क्या ऑप्शन होगा, क्या इसका फंक्शन है, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करूंगा जब बताऊंगा पूरी की पूरी इंसुलिन के मैकेनिज्म को, उसके एक्शन को और उसके साथ एसोसिएटेड डिफरेंट फंक्शंस को, तब हम बात करेंगे GLP-1 के बारे में। मैंने आपको बता रखा है फार्मा, मेडिसिन, फिजियो, ये सभी एक दूसरे से अलग नहीं है। जब एक चीज समझेंगे तभी दूसरी चीज समझेंगे, इसलिए एक साथ पढ़ करके सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव डिफरेंट ब्रांचेस के हैं सबको सॉल्व कर लेंगे। जैसे अभी हम फिजियो कर रहे हैं तो फिजियो पर फोकस करते हुए हम फार्मा को भी कनेक्ट करेंगे, मेडिसिन को भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो जब कभी भी इंसुलिन रिलीज होता है तो वो प्रो इंसुलिन के रूप में रिलीज होता है, प्री प्रो इंसुलिन के रूप में। उसके बाद ये प्रो इंसुलिन बनता है, फिर इंसुलिन बनता है। तो ये प्री प्रो इंसुलिन क्यों कहलाता है, इस चीज को देखें तो इसके साथ एसोसिएटेड एक पेप्टाइड की चेन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सी पेप्टाइड कहते हैं। और इसे बाद में जब ये मैच्योर होता है तो सी पेप्टाइड को हटा दिया जाता है। तो जितना इंसुलिन रिलीज होगा बाहर की ओर उतना ही सी पेप्टाइड भी रिलीज होगा, यही बात बताने की कोशिश की जाती है। हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आगे हमें मेडिसिन के टॉपिक में डिस्कस करना है डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में। तो वहां पर दोनों के बीच में अंतर करने में सी पेप्टाइड को हम एक मार्कर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या बेसिक बातें जरूरी हैं, तो आप समझ लें कि जब कभी भी इंसुलिन बनता है तो उसका केमिकल मॉडिफिकेशन होता है। इस केमिकल मॉडिफिकेशन के दौरान सी पेप्टाइड उसे तोड़ दिए जाते हैं, सी पेप्टाइड को क्लीव किया जाता है और ये रेजिडुअल जो बीटा फंक्शंस होता है उसको चेक करने में, मॉनिटर करने में हमारी मदद करता है। जब कभी भी हम देखते हैं तो कितना इंसुलिन बन पा रहा है उसके बारे में स्टडी करने में हमें मदद मिलती है। अब देखें यहाँ पर ऑटो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज की वजह से टाइप 1 डायबिटीज के दौरान ऑटो एंटीबॉडीज बीटा सेल्स को डैमेज कर देते हैं, जिसके कारण प्री प्रो इंसुलिन कम रिलीज होगा। जाहिर सी बात है सी पेप्टाइड और इंसुलिन दोनों ही कम रिलीज होंगे जब कभी भी वो मैच्योर
शुगर होंगे तो उनकी मात्रा कम होगी, जबकि टाइप 2 डायबिटीज के दौरान जब हम देखते हैं तो वहां इंसुलिन के लिए रेसिस्टेंस होता है, इंसुलिन रिलीज होता है लेकिन उसके लिए रिसेप्टर सही तरीके से काम नहीं करते हैं, उसके लिए रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और वो कैसे डेवलप होगा उसकी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। जब कभी भी हम बात करते हैं तो हमारे सामने दो टारगेट होते हैं ना डायबिटीज मिलिटस के डिफरेंट टाइप्स में से, जो सबसे महत्वपूर्ण है जो मेडिसिन में पढ़ना भी है, टाइप 1 और टाइप 2। आप जानते हैं ये अचानक से होता है, यंग एज के लोगों में होता है, ऐसे लोग थिन होते हैं और इसमें यूजुअली इंसुलिन बहुत कम रिलीज होता है। क्यों कम रिलीज होता है? क्योंकि ऑटो एंटीबॉडीज बीटा सेल्स को डैमेज कर देते हैं, इसीलिए इंसुलिन जब कम होगा तो आप समझ सकते हैं ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म बुरी तरीके से प्रभावित होती है और इसी वजह से कीटो एसिडोसिस के साथ ये प्रेजेंट करते हैं। सीधी सी बात यह है कि इसमें भीतर से इंसुलिन नहीं बनेगा, बीटा सेल्स उसे डैमेज कर चुकी होती है। जबकि आप देखेंगे टाइप 2 में बहुत सारे वेरिएशन पॉसिबल है, नॉर्मल भी हो सकता है, कई बार बढ़ भी हो सकता है, कुछ मामलों में घटी हुई चीजें भी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें आगे हमें स्टडी करने का मौका मिलेगा। तो सी पेप्टाइड एक मार्कर के रूप में, सी पेप्टाइड ठीक ठाक है तो आप समझ सकते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज मिलिटस होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि यह इक्विमोलर अमाउंट में रिलीज होता है इंसुलिन के साथ। वो इसलिए होता है क्योंकि आप समझ सकते हैं प्री प्रो इंसुलिन में दोनों ही होते, बाद में क्लीव होता है, टूटता है, ये सारी चीजें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसीलिए इसे एक मार्कर के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि इंसुलिन कितना रिलीज हो पा रहा है। अब सवाल यह भी पूछा गया नीट में, सी पेप्टाइड कहां से रिलीज होता है? सिंपल सी बात है, बीटा सेल्स से रिलीज करती है। अब सवाल यह है कि पैंक्रियाज में इन सारी चीजों का फंक्शन कैसे रिलीज होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, उन सारी चीजों को देखते हैं। जब कभी भी हम बात करते हैं तो हमारे डाइट में जो भी डाइसेक्राइड होती है वो अल्फा ग्लूकोसाइडेज के द्वारा मोनोसेक्राइड्स में बदलते हैं। ये गट के भीतर डाइसेक्राइड को जैसे यहां दर्शाने की कोशिश की गई है, यहां पर डाइसेक्राइड के रूप में माल्टोज का एग्जांपल लिया गया है, उसको यह तोड़ने में मदद करता है। तो कैसे काम करता है, पहले पूरी की पूरी प्रोसेस को देखते हैं। हमारे बॉडी में जो भी हम सोर्स लेते हैं, जैसे स्टार्च लेंगे तो पहले उस पर अल्फा एमाइलेज फंक्शन करता है, आप जानते हैं ना ये स्टार्च कैसे बना होता है, ये बायोकेमिस्ट्री का पॉइंट है, सब कुछ पता होना चाहिए। माल्टोज बन गया, उसके बाद इन जनरल इस तरीके के डाइसेक्राइड को तोड़ने के लिए ग्लूकोज, ग्लूकोज में माल्टोज को ब्रेक करने के लिए अल्फा ग्लूकोसाइडेज होता है। इसी तरीके से इन जनरल हम कहते हैं सुक्रोज जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है, डाइसेक्राइड है, उस पर भी अल्फा ग्लूकोसाइडेज काम करता है और उसके बाद उसे सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। इस तरीके के फंक्शन के दौरान आप जानते हैं ग्लूकोज जो भी बन रहे हैं या फ्रक्टोज जो बन रहे हैं वो किसकी वजह से बन रहे हैं, अल्फा ग्लूकोसाइडेज की वजह से। ये करते क्या है, ये इसे ब्रेक करते हैं और इसके बाद क्या होता है, ये ब्लड के सर्कुलेशन में चले जाएंगे। अगर आपने अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स डेवलप कर दिया, फार्मा में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये माल्टोज या सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी और इसकी वजह से ग्लूकोज या फ्रक्टोज नहीं बनेंगे। आप समझ सकते हैं ये फार्मा में एक टारगेट हो सकता है, इसके बारे में आगे हमें पढ़ने का मौका मिलेगा। तो यहां पर देखें, यहां पर है डाइसेक्राइड्स को मोनोसेक्राइड में बदलने के लिए अल्फा ग्लूकोसाइडेज, ये आगे चल करके क्या करेगा, ग्लूकोज में बदलता है। इस ग्लूकोज को लेने के लिए क्या होता है, हमारे जो आसपास की जो सेल्स होती हैं आप समझ सकते हैं इंटेस्टाइन की, वो उसे एब्जॉर्ब करते हैं फिर ब्लड के सर्कुलेशन में भेजते हैं। लेकिन यहां पर मॉनिटर करने के लिए GLP-1 होता है। हमारी बॉडी में जो जनरल GLP-1 होते हैं वो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। ये GLP-1 कहां पर रिलीज किए जाते हैं, ये कैसे रिलीज होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हमने अपने नोट्स में दे रखा है। ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां की सेल्स रिलीज करती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड के सर्कुलेशन में जाकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को प्रभावित करता है और वो भी बहुत अच्छे तरीके से इस पर प्रभाव डालते हैं। इसी वजह से हमने फार्मा में आगे स्टडी करना है, GLP-1 एनालॉग हम डेवलप करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में GLP-1 एनालॉग रिलीज तो होता है लेकिन वो बहुत कम मात्रा में रिलीज होता है। GLP-1 एनालॉग का फंक्शन क्या है पहले देख लेते हैं। GLP-1 एनालॉग ब्लड के सर्कुलेशन में जाता है, ये ग्लूकागन के प्रोडक्शन को कम करने के लिए सिग्नल देता है। इसी तरीके से इंसुलिन बढ़े इसके लिए भी ये प्रेरित करता है, सारे अच्छे काम करेगा, बीटा सेल्स को एपोप्टोसिस से रोकेगा, बीटा सेल्स के प्रोलिफरेशन को बढ़ाएगा, बहुत अच्छा काम कर रहा है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो करेगा ताकि धीरे धीरे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़े। आप समझ सकते हैं ना, धीरे धीरे डाइजेशन होगा, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग अगर स्लो होगा तो डाइजेशन धीरे धीरे होगा। इस तरीके से क्या हो सकता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं फूड धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ, डाइजेशन धीरे धीरे होगा तो धीरे धीरे ब्लड में शुगर की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन स्लोली राइज करेगा। इसी तरीके से ये किडनी पर देखे सब अच्छा काम कर रहा है, ये एल्ब्यूमिन के एक्सक्रीशन को घटाएगा। इसी तरीके से इंसुलिन की सेंसिटिविटी हमारे मसल्स के लिए बढ़ाने में मदद करता है। इसी तरीके से लीवर पर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो भी ग्लूकोज के कंसेंट्रेशन को कम करने की एक्टिविटीज हो सकती है सब में ये पार्टिसिपेट करता है। इतना ही नहीं, ये न्यूरो प्रोटेक्शन का भी काम करता है, एपेटाइट को कम करेगा, आप समझ सकते हैं। हार्ट के लेवल पर भी इसका बहुत अच्छा काम है, इसलिए फार्मा में हम GLP-1 एनालॉग को सिंथेटिकली डेवलप कर चुके।
चुके हैं। ये वैसोडायलेशन कराता है, कार्डियो प्रोडक्शन और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन को बढ़ाने में भी मदद करता है। आप समझ सकते हैं GLP-1 हमारे लिए कितना बड़ा टारगेट हो सकता है। इसीलिए करंटली हम GLP-1 एनालॉग बना चुके हैं और हम जानते हैं ये सर्कुलेशन में अगर जाएगा तो करेगा क्या, ये करता क्या है। ये GLP-1 रिसेप्टर्स होते हैं बीटा सेल्स पर, वहां पर जाकर के अपने एक्शन को दर्शाता है। GLP-1 बनना शुरू हो जाता है जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। इसी तरीके से बीटा सेल्स के पास GLUT2 रिसेप्टर्स होते हैं जो चेक कर रहे होते हैं ग्लूकोज के कंसेंट्रेशन को, और ग्लूकोज जब बढ़ता है तो ये दोनों ही चीजें ग्लूकोज पहुंचेगा, वो GLUT2 को एक्साइट करेगा, GLP-1 को एक्साइट रिसेप्टर को एक्साइट करने का काम GLP-1 का होता है। और इस तरीके से बीटा सेल्स क्या करती हैं, एमाइलिन और इंसुलिन को रिलीज करती है। आप जानते हैं एमाइलिन और इंसुलिन लगभग लगभग एक जैसा काम करते हैं, ये भी बीटा सेल से रिलीज होते हैं। और इंसुलिन जब आगे बढ़ता है तो इंसुलिन के अपने रिसेप्टर्स होते हैं। यहां से अगर आप देखें तो इंसुलिन का रिसेप्टर अब जाकर के बॉडी के डिफरेंट सेल्स, खास तौर पर स्केलेटल मसल्स, हार्ट पर, एडिपोज टिश्यू पर इसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, वहां इंसुलिन जाकर के एक्शन करेगा। और इधर से सिस्टमिक सर्कुलेशन में अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है तभी इंसुलिन भी रिलीज हुआ, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में चूंकि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है इसलिए GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं हर सेल्स पर। खास तौर पर कौन कौन से सेल्स GLUT4 के लेवल पर होंगे, GLUT4 रिसेप्टर्स कौन कौन से रखते हैं, तो इंसुलिन के प्रभाव में कुछ खास सेल्स हैं, स्केलेटल मसल, हार्ट की जो कार्डियोसाइट्स आप समझ सकते हैं कार्डियक मायोसाइट्स, इसी तरह एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो अब GLUT4 के एक्टिविटीज को बढ़ा देते हैं। इनके पास GLUT4 रिसेप्टर्स होता है जिसके द्वारा ग्लूकोज को अंदर ले लिया जाएगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, इंसुलिन रिसेप्टर ने एक्टिव कर दिया इसको, तो तेजी से अंदर लेना शुरू कर दिया जाएगा। इस तरीके से GLUT4 का फंक्शन आप समझ सकते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन में अगर ग्लूकोज तेजी से बढ़ा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया इंसुलिन का फंक्शन, तो एक तो आपने देख लिया इंसुलिन का फंक्शन, वो इंसुलिन भी देकर के आप फार्माकोथेरेपी के तहत आप इसलिए इंसुलिन देते हैं ताकि सेलुलर यूटिलाइजेशन बढ़ सके। इसी तरीके से एक और टारगेट हम ले सकते हैं, इंसुलिन अगर कंसंट्रेशन में बढ़ा हुआ है तो सेलुलर यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वो किडनी के पास जाएगा, किडनी के पास अगर गया तो फिल्टर होगा, फिल्टर होते होने के दौरान वो आप समझ सकते हैं रीअब्सॉर्ब होने की कोशिश करता है। PCT पर एक स्पेशल SGLT2 यहां पर रिसेप्टर्स होते हैं जिसके द्वारा यहां पर चैनल होता है जिसके द्वारा SGLT2 के द्वारा ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि यहां पर ध्यान दें तो आप देख सकते हैं जब प्रॉक्सिमल जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का पार्ट होता है आप सीधे तौर पर देखें वहां ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन किया जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पर। कैसे होगा वो सारी चीजें आगे हम बात करेंगे। आप देखिए SGLT2 के द्वारा यूरिन के भीतर जो फिल्टर होकर के गया हुआ हायर कंसंट्रेशन में अगर ग्लूकोज अगर हमारे ब्लड में है तो फिल्टर होकर के यूरिन में जाता है, यूरिन में वो रीअब्सॉर्ब करने की प्रोसेस होती है SGLT2। यहाँ पर एक समझ सकते हैं ये एक तरीके से हमारे पास ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है उसके द्वारा ये ग्लूकोज अंदर की ओर लिया जाएगा। अब हमने क्या किया, इस चीज को जब समझ लिया तो हम चाहते हैं कि ग्लूकोज वापस न लिया जाए, तो फार्मा में हम ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम करने के लिए SGLT2 इनहिबिटर्स भी डेवलप कर चुके हैं। तो ये तभी संभव हो पाया है जब हमने पूरी की पूरी ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को समझा, या तो ग्लूकोज को सेल में डाल दीजिए सेल के भीतर जो इंसुलिन की मदद से होगा, या तो ग्लूकोज को बनने ही मत दीजिए, बन गया तो सेल के भीतर डाल दीजिए, अगर सेल के भीतर चला गया तो अच्छी बात, वरना किडनी में अगर फिल्टर होने के लिए गया तो रीअब्सॉर्ब मत होने दीजिए। आप समझ सकते हैं SGLT2 इस तरीके के चैनल होते हैं जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होते हैं। तो ये अपने फंक्शंस को कैसे करेगा उन सारी चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं। SGLP1 मैंने आपको बताया ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हुए बीटा सेल्स को एक्साइट करता है, ये भी बहुत बड़ा काम है। GLP1 का आपको बताया ये अब्सॉर्ब ही नहीं होने देगा, समझ रहे हैं? और ये क्या करेगा, अगर अब्सॉर्ब हो गया तो बीटा सेल्स उसको यूटिलाइज करा देंगे ग्लूकोज को, अगर अब्सॉर्ब हो गया तो यूटिलाइज तेजी से कर ले। ये सारे तरीके अपनाए जाते हैं। GLP-1 का बड़ा ही प्रोटेक्टिव फंक्शन है, और मैंने आपको बताया ये बॉडी में ये शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। तो हमने क्या किया, इसका आर्टिफिशियल हमने इसका एनालॉग बना लिया ताकि तेजी से इसको बनाया जा सके। एक चीज और देखा गया, GLP-1 DPP-4 के द्वारा मेटाबोलाइज होता है। तो हमने क्या किया, ये देखिए GLP-1 का बड़ा ही अच्छा फंक्शन है, ये बात मैंने आपको बताया। यहीं पर एक चीज और बाद में स्टडी के दौरान पता चला कि इसको मेटाबोलाइज कौन करता है, मेटाबोलाइज करता है DPP-4। तो हमने क्या किया, DPP-4 इसे मेटाबोलाइज न कर पाया तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि GLP-1 के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हम DPP-4 का इनहिबिटर दे दें। तो ये भी एक तरीका हमने अपनाने की कोशिश किया है, और इस तरीके से DPP-4 इनहिबिटर्स के रूप में फार्मा में हम स्टडी करेंगे GLP-1 को इनहिबिट, इसके मेटाबोलिज्म को इनहिबिट करने के लिए ड्रग्स कैसे डेवलप किया, क्योंकि GLP-1 बहुत जरूरी
जरूरी है, हमारे बॉडी में सारे अच्छे काम करता है। आप जानते हैं ये इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, ग्लूकागन के सिक्रीशन को घटाता है और भी बहुत सारे काम करता है जो मैंने आपको बताया। DPP4 इसको मेटाबोलाइज करता है, मेटाबोलाइज न करने पाए तो हम क्या करेंगे, DPP4 इनहिबिटर्स डेवलप करते हैं। GLP-1 एनालॉग के बारे में जो हम लोगों ने स्टडी किया है उसके बारे में मैंने आपको बताया, बहुत ही हमारे लिए बेहतर ड्रग है। और यहाँ पर ये सारी चीजें किस बेसिस पर किन के लिए डेवलप की गई हैं, डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 या मॉडी के लिए डेवलप की गई हैं, और भी डायबिटीज के कारण है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स भी होंगे जो डायबिटीज का कारण हो सकते हैं। बहुत सारे ट्यूमर आगे हम स्टडी करेंगे जो डायबिटीज का कारण हो सकते हैं। हम ऐसे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस का भी कारण आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तरीका यह भी हो सकता है जो मैंने आपको बताया DM टाइप 1 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर प्रॉब्लम क्या होता है, वहां पर दिक्कत यह होती कि ये सेल्स ही जो बीटा सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं ऑटो इम्यूनिटी की वजह से। तो कैसे इनके बारे में हमें स्टडी करना है, कैसे यहाँ इंसुलिन नहीं रिलीज होता, तो क्या क्या दिक्कतें होंगी, वो आगे मेडिसिन में बात होगी। मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। डायबिटीज मेलिटस 2 में मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा कैसे रेजिस्टेंस डेवलप होता है इंसुलिन के लिए, इंसुलिन पूरी तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता और इसी का मिलता जुलता रूप होता है डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 का, मॉडी होता है, क्या क्या दोनों के बीच में सिमिलरिटी है, क्या क्या डिफरेंसेस है, कैसे हम अंतर करेंगे केस स्टडी जब डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 और मॉडी का होगा, उनके बीच में क्या क्या अंतर होंगे, उन पर बात आगे होगा। चलिए देखते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी किस तरीके से इंसुलिन रिलीज होता है जो डैमेज हो चुका होता है डायबिटीज टाइप 1 में। तो आप देखेंगे बीटा सेल्स इंसुलिन कब रिलीज करते हैं, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, कितना, 70 mg/dL या उससे ज्यादा होने लगेगा, तो आप समझ लीजिए इंसुलिन रिलीज होता है। कैसे, आप जानते हैं ना GLP-1 जाकर के एक्साइट करता है अपने रिसेप्टर, या ग्लूकोज भी GLUT2 रिसेप्टर के द्वारा वहां बीटा सेल्स को जाकर के एक्साइट करते हैं, जिसके कारण ग्लूकोज जब सेल के भीतर जाने लगेंगे तो उसके कारण ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और वहां पर ATP का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाता है। ATP का प्रोडक्शन बढ़ते ही ATP ज्यादा बढ़ने लगेगा और इसके कारण पोटेशियम आयन के चैनल्स क्लोज हो जाते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पोटेशियम आयन के चैनल क्लोज कर दिया जाता है जब ATP का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाता है। तो नॉर्मल तरीके से आप देखेंगे यहाँ पोटेशियम आयन के चैनल क्लोज करके यहाँ डीपोलराइजेशन की प्रोसेस कराई जाती है। ये स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, फार्मा में इसी पर आधारित कुछ ड्रग्स डेवलप किए गए हैं। पूरी की पूरी प्रोसेस को देखने के लिए जरूरी है हम यहाँ पर देखें किस तरीके से इंसुलिन सिक्रीट होता है। पैंक्रियाज यहाँ पर दर्शाई गई है, ग्लूकोज किस तरीके से, यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्लूकोज अंदर क्यों आया, इसका मेटाबॉलिज्म होता है, ATP का प्रोडक्शन होता है। ATP का प्रोडक्शन होते ही पोटेशियम का इफ्लक्स बंद कर दिया जाता है, पोटेशियम के चैनल बंद कर दिए जाने से क्या होगा, ये जो ATP की मदद से ये चैनल जब बंद कर दिए जाते हैं, आमतौर पर इनका इफ्लक्स होता रहता है, ये बंद कर दिए जाने से अंदर की ओर पोटेशियम आयन बढ़ता जाएगा, जिसके कारण आप समझ सकते हैं कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल पोटेशियम आयन का बढ़ने लगेगा, जिसके कारण डीपोलराइजेशन। यहां डीपोलराइजेशन की प्रोसेस थोड़ी सी डिफर करती है, आमतौर पर किस तरीके से होता है, सोडियम आयन को अंदर लेकर के आमतौर पर सेल्स डीपोलराइज होती हैं। यहां पर जब इसके बारे में स्टडी किया गया तो पता चला ये सोडियम आयन को अंदर न लेकर के पोटेशियम आयन को बाहर नहीं जाने दे करके ये डीपोलराइज करता है। इस तरीके से जब बाहर पोटेशियम आयन नहीं जाएंगे तो अंदर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ने लगेंगे, आप समझ सकते हैं ना, बात वही होती है लेकिन थोड़ी सी अलग तरीके से होती है। आमतौर पर क्या होता है, सेल्स के भीतर सोडियम आयन जब अंदर आते हैं नॉर्मल न्यूरॉन्स के भीतर जो हम स्टडी करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगता है, ये बात हम जानते हैं। यहां पर क्या करते हैं, यहां पर इसके अपोजिट करते हैं, हम करेंगे क्या, पोटेशियम आयन को बाहर निकलने नहीं देते हैं। पोटेशियम आयन अगर बाहर नहीं निकलेगा तो उसके कारण होगा क्या, आप समझ सकते हैं भीतर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगे। इस तरीके से भीतर की ओर पॉजिटिव चार्ज हम बढ़ा करके पॉजिटिव चार्ज हम इंक्रीज कराते हैं और इसकी वजह से यहां डीपोलराइजेशन होता है। अब डीपोलराइजेशन अगर हो गया तो आगे की प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पर आगे की प्रोसेस आप समझ सकते हैं, पोटेशियम आयन अब भीतर की ओर बढ़ गया जिसके कारण यहाँ डीपोलराइजेशन अगर हो रहा है तो इसके कारण अगली प्रोसेस होती है, वो करती क्या है, सोडियम को अंदर न बुला के कैल्शियम को अंदर बुलाने लगती है। कैल्शियम को अंदर बुलाने की वजह से यहाँ पर जो वोल्टेज डिपेंडेंट आप समझ सकते हैं कैल्शियम आयन चैनल्स जब ओपन होंगे, कैल्शियम अंदर आएगा तो ये जो स्टोर्ड इंसुलिन होगा उसको रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है। इस वजह से आप समझ सकते हैं इंसुलिन का रिलीज होना हम सोच सकते हैं। अब यहाँ पर पोटेशियम आयन को टारगेट बनाते हैं, अगर हम पोटेशियम आयन को क्लोज करा दें, आप समझ सकते हैं पोटेशियम आयन को अगर हम क्लोज करा दें तो जाहिर सी बात है इंसुलिन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा। इंसुलिन ज्यादा से ज्यादा कब रिलीज होगा, जब पोटेशियम आयन यहाँ पर क्लोज कर दिया जाएंगे उसके चैनल। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो
डेशमैन के चैनल को अगर हम ओपन कर दें तो आप समझ सकते हैं आप इंसुलिन के रिलीज करने की प्रोसेस को कमजोर कर सकते हैं। अगर पोटेशियमैन के चैनल ओपन रहे तो इंसुलिन कम रिलीज होगा। ड्रग्स के रूप में इसी बात को लेकर के टारगेट बनाया गया है। चलते हैं तेजी से रिकॉल करते हैं, नीट में इसी बात को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लूकोज रिलेटेड इंसुलिन रिलीज इज मीडिएटेड थ्रू, कैसे होता है? क्या यहाँ पर एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियमैन चैनल होते हैं? क्या साइक्लिक एएमपी कहता है? या कैरियर कुछ होते हैं जो इंसुलिन को रिलीज कराते हैं? या फिर रिसेप्टर फास्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है? तो आपको पता है ना, ग्लूकोज मीडिएटेड जो इंसुलिन का रिलीज होगा वो एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम आयन चैनल्स की वजह से काम करता है, ये बात मैंने आपको बताया। और इस वजह से जब कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इनसाइड द सेल बढ़ेगा, जो कि पॉजिटिव चार्जेस धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे जो डिपोलराइजेशन करा देंगे, डिपोलराइजेशन की वजह से क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है आमतौर पर भीतर की ओर -70, किसी भी सेल में -70 से लेकर -90 तक होता है वैल्यू। धीरे धीरे जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पोटेशियम आयन बाहर निकलने नहीं पा रहा है, तो पॉजिटिव चार्जेस बढ़ने लगेंगे, जिसके कारण रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से घटना शुरू हो जाएगा। आप समझ सकते हैं ना, -70 से -50, -40, और जब ये -40 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगा तो डीपोलराइजेशन हो जाएगा, जो कैल्शियम आयन के चैनल्स को ओपन कर देगा, जिसके कारण कैल्शियम आयन के चैनल्स जब ओपन होंगे तो कैल्शियम इनसाइड द सेल पहुंच जाएगा, जिसके कारण आप समझ सकते हैं इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ने से जो ऑलरेडी स्टोर्ड जो हमारे इंसुलिन होते हैं उसको रिलीज कराने में मदद कर देगा। तो ऑलरेडी जो स्टोर्ड इंसुलिन है उसको रिलीज करता है, उस दौरान आप समझ लें कि प्रोसेसिंग होती है, इसलिए इंसुलिन ही नहीं बल्कि एमाइलिन और सी पेप्टाइड को भी रिलीज किया जाता है। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि अगर हम देखें तो एमाइलिन भी बीटा सेल से रिलीज होगा, इंसुलिन भी बीटा सेल से, सी पेप्टाइड भी बीटा सेल से रिलीज होगा, और इनका फंक्शन क्या होता है इसके बारे में देखा जा सकता है। कितना इंसुलिन रिलीज हो रहा उसके बारे में अगर अनुमान लगाना है तो सी पेप्टाइड यहां पर हमारी मदद करता है। तो इस तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसुलिन एमाइलिन या सी पेप्टाइड को रिलीज करने के लिए एक तो ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा एक्साइट करती है, दूसरा ये इनक्रिटिन जिसमें हम GLP-1 के बारे में बात किए थे वो भी यहां मदद करते हैं। मैंने आपको बताया था GLP-1 GIP भी ऐसे ही होता है। GIP का मतलब क्या होता है आप GIP के बारे में देखेंगे, और ये इनक्रिटिन के ही दोनों ही एग्जांपल हैं। GIP मतलब ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पॉलीपेप्टाइड, ये GIP होता है। GLP-1 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, GLP-1 ग्लूकोगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैंने आपको बताया कि ये मेटाबोलाइज ना होने पाए GLP-1, इसलिए DPP एंजाइम जो इसे इनएक्टिवेट करने का प्रयास करता है उसका इनहिबिटर हम लोगों ने डेवलप कर रखा। आप समझ पा रहे हैं ना, करंटली हमने क्या किया, DPP-4 इनहिबिटर्स डेवलप कर रखा ताकि ये ना होने पाए, नहीं मेटाबोलाइज होगा तो इसका लेवल बढ़ा रहेगा। अगर इसका लेवल बढ़ा रहेगा तो फंक्शन क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या होता है, आप जानते हैं इंसुलिन के रिलीज करने को, ग्लूकागॉन के रिलीज करने को कम करना, और इसीलिए ये ड्रग्स डेवलप किए गए हैं। अल्टीमेटली टारगेट क्या होगा, फार्मा में समझ सकते हैं ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करना। तो इंसुलिन जब रिलीज होगा आप समझ सकते हैं तो उसका फंक्शन क्या होता है, इंसुलिन सेलुलर यूटिलाइजेशन बढ़ा करके ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम कराने में मदद करता है। मैं आपको बता दूं अगर हमें टारगेट बनाना है पोटेशियम आयन चैनल्स को, तो फार्मा में हम दो टारगेट बनाए हुए, फार्मेकोलॉजिकली हम बात करते हैं पोटेशियम आयन चैनल्स को फार्मेकोलॉजिकली क्लोज करने वाले और फार्मेकोलॉजिकली ओपन करने वाले। तो इसमें क्लोज करने वाले अगर होंगे तो समझ सकते हैं वो इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाएंगे, इस तरीके से सल्फोनाइल यूरिया की हम बात करेंगे जो डायबिटीज मेलिटस के लेवल पर इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा करके फंक्शन करते हैं। फार्मेकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो इसे ओपन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, डायजॉक्साइड। अगर ये पोटेशियम आयन के चैनल्स ओपन रहेंगे तो क्या होगा, इंसुलिन, इंसुलिन का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, इंसुलिन का कंसंट्रेशन घट जाएगा। आमतौर पर कुछ ऐसे ट्यूमर हैं जिसके बारे में हम सर्जरी में पढ़ते हैं जो इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं, तो इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाने वाले जो ट्यूमर होते हैं इंसुलिनोमा, उसके ट्रीटमेंट में हम इंसुलिन को कम करना होता है, जिसके लिए डायजॉक्साइड जैसे ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फार्माकोलॉजिकली क्लोज करना है, ओपन करना है, अगर क्लोज करेंगे तो इंसुलिन रिलीज होगा, ओपन करेंगे इंसुलिन कम रिलीज होगा, उस आधार पर फार्मा में टेक्निक्स अपनाई गई है। तो इनक्रिटिंस का एग्जांपल GLP-1 एनालॉग्स काफी महत्वपूर्ण है, नए ड्रग्स उसी के आधार पर डेवलप किए गए इनक्रिटिंस को फोकस करके। इनक्रिटिंस आपको मैंने बताया था ये कहां से रिलीज होते हैं, ये कैसे रिलीज होते हैं, तो ये GI ट्रैक के न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। और इनका क्या काम होता है, तो ये ग्लूकोज के एक्टिविटीज को, ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ाने का काम करते हैं, एम्पलीफिकेशन कर देते हैं ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को, कैसे, इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा करके। इसी तरीके से ये ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को सप्रेस करते हैं। तो आप समझ सकते हैं ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़े इसलिए इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं इनक्रिटिंस, जिसमें नाम GLP-1 का याद रखना है। ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को सप्रेस करना ये भी इनकी जिम्मेदारी होती है। इनक्रिटिन, इनक्रिटिन के एनालॉग ये क्या करते हैं, इंडोजिनस इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। इस बात को लेकर के सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा गया है।